तो सुबह सुबह मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत ही प्यारी सीनरी है ये जो आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग किसी जन्नत में रहते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो यहाँ पे मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ एक चीज़ जो कि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे। तो सभी पूछ रहे थे कि पापा जी का स्कूल भी दिखाओ कि किस तरह का उनका स्कूल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ये स्कूल है। तो ये है पापा जी का न्यू स्कूल जो पापा जी ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये देख लीजिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत ही शांत एरिया में ये स्कूल है। यहाँ पे ITI भी है और साथ में स्कूल भी है, तो बहुत ही मस्त नज़ारा है। और स्कूल इसी तरह की जगहों में ही होने चाहिए। तो ये क्लिप पापा कैप्चर करके लाए थे आप लोगों के लिए कि किस तरह का स्कूल है और किस तरह का नहीं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन्स ले चुके हैं और बहुत सारे अभी लेंगे भी। तो बहुत प्यारा सा नज़ारा है। तो ये धर्मपुर में पड़ता है, बरोटी की साइड। अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर यहाँ से है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोगों को धर्मपुर तो हम लोगों ने दिखाया हुआ है, इस तरह का रास्ता है और इसी रास्ते से जाते हैं पापा जी भी अपने स्कूल। ये हमने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है। तो ये जो पुल है, इसी पुल के रास्ते से जाते हुए पापा जी का स्कूल आता है फिर ऊपर वाली साइड, बरोटी वाली साइड। तो दृश्य कुछ बहुत ही मनमोहक सा बना हुआ है, इसलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि हमारी प्यारी YouTube फैमिली कहती है कि आप अपने हसीन नज़ारे हमें दिखाया कीजिए। बाकी आज के ब्लॉग में मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, ज़रूर राय दीजिएगा कि सच में ऐसा है या नहीं, कि कुछ ही ऐसा समझते हैं लोग, तो मुझे बताना ज़रूर। बाकी मैं अभी आपके लिए ब्लॉग तैयार कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा अपना अपना। तो मुझे बात भी शेयर करनी है, तो यूं ही हमारे साथ कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। और ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, अगर आप ब्लॉग को स्किप करोगे तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि मेरी बात फिर अधूरी ही रह जाएगी और आप लोगों को फिर समझ भी नहीं आएगी। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मुझे बताइएगा कि क्या सच में मैं ऐसी हूँ, क्या हमारी सोच ऐसी है, क्या हम ऐसा सच्ची में करते हैं। तो मुझे रिप्लाई करना ज़रूर। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। तो बहुत दिनों से मैंने आपके साथ कोई भी बातचीत नहीं करी थी और सोचा कि आज आपके साथ बातचीत कर लूँ। तो मैं यहाँ पे अभी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो मुझे बताना ज़रूर। तो आप लोगों को डेली बेसिस पे ब्लॉग मिलते आ रहे हैं हमारे, आप लोगों ने हमें सुजेस्ट भी किया था कि अपनी भैंस के लिए। तो हम लोगों ने जो जो आप लोगों ने बताया वो कर लिया है, लेकिन अभी भी भैंस को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो देखते हैं अब आज का दिन भी, तो डॉक्टर वगैरह भी लाए हुए हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं और क्या नहीं। तो कुछ लोगों का कहना है कि आजकल ये बीमारी चली हुई है भैंस की, तो शायद ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या हो गया है उसको और क्या नहीं। तो डॉक्टर को चेक करवाने के बाद जैसे ही डॉक्टर हमें बोलेंगे कि आप लोग ये करो वो करो, तो हम वैसा भी कर लेंगे। अब तो 2-3 बार हमने उसको डॉक्टर से भी चेक करवा लिया है और जो भी बाहर वाली चीज़ें हैं वो भी कर ली है, जो भी घर के अंदर की चीज़ें हैं वो भी कर ली है। लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो जल्द ही वो ठीक हो जाएगी, आप लोगों की दुआएं हमेशा काम आती है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी अभी, तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 11 बजे का। तो लंच मैंने बना दिया है लगभग लगभग, तो थोड़ी देर के बाद पापा जी भी आ जाएंगे। तो पापा जी को आज स्कूल से छुट्टी है क्योंकि आप सबको पता है कि आज सेकंड सैटरडे है। तो मम्मी जी और पतिदेव भी यहीं हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर लूँ। तो अब बातचीत भी क्या करनी है, आप लोग मेरा हाल चाल पूछते रहते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली हर पल पल के बाद मेरा ध्यान रखती है, मेरी खबर लेती है। तो पतिदेव भी मुझे बता रहे थे कि हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरा हाल चाल पूछते रहते हो। बाकी रही अब डिलीवरी की बात, तो पता नहीं अब कब जैसे हो जाए। तो कल से मेरी तबीयत भी कुछ ढीली ढीली ही है, मुझे भी ज़्यादा मतलब चलने उठने बैठने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो लेकिन मुझे इस टाइम पे काम तो क्या क्या ही करना है, लेकिन चलना बहुत ज़रूरी है। तो
हम लोग जाते रहते हैं, पतिदेव और मैं, कभी यहाँ घूमते हैं कभी वहाँ घूमते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, वैसे भी मैं घर पे अक्सर छोटे मोटे काम में लगी रहती हूँ, जो भी मेरे से हो पाता है मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन कुछ दिनों, मतलब एक दो दिन से कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, तो पता नहीं कब जैसे क्या हो जाए। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें, मैंने वीडियो डाली हुई थी पीछे जैसे अभी, तो उसमें एक दो कमेंट आए थे, तो मुझे उनको देखकर कुछ ऐसा ही लगा कि, तो जो जो भी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं, तो कुछ चीज़ें शायद उनको लगता होगा ऐसा, तभी वो ऐसा कुछ बोलते हैं, वरना ऐसे नहीं। तो मैंने डाला हुआ था टाइटल कि बेबी दीदी जो है बच्चे के लिए कपड़े लेके आए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया हुआ उसमें। तो उसमें लिखा हुआ है कि, ये एक ने लिखा हुआ है, शायद नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि आपने ये कपड़े सारे जो है बॉय के लाए हैं, बेबी के नहीं है, मतलब लड़की के नहीं है। तो मुझे हंसी भी आई इस बात पर। तो अभी क्या पता लगता है कि कौन से कपड़े लड़के के हैं और कौन से कपड़े लड़की के नहीं है। जो हाथ में आए, जो अच्छा लगे वो ले लिया होगा उन्होंने भी। और उसमें ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि वो लड़के के कपड़े हैं। तो देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में अगर बेटा आएगा तब भी ठीक है, बेटी आएगी तब हम दुगने ज़्यादा खुश होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप ऐसे कमेंट मत किया कीजिए। तो मुझे भी ऐसा अजीब सा लगता है कि शायद क्या पता हम लोगों ने ही ऐसा कर दिया होगा। तो जहाँ तक मेरी सोच है, हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, और ना ही मेरे परिवार वाले कि ऐसा कुछ है। तो हम लोग बिल्कुल दूर रहते हैं इन चीज़ों से। जो भगवान का दिया हुआ है वो हमें मंजूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है, तो आप लोगों को भी लगा होगा शायद कि वो लड़के के कपड़े हैं, पर मैंने इतना गौर नहीं किया और ना ही हम लोगों ने ऐसा सोचा। लेकिन जब मैंने पिछली रात को वो कमेंट पढ़ा, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि इसमें इन्होंने क्या लिख दिया। फिर शायद मैंने वो रिमूव भी कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लिखना आप लोगों ने लिखा होगा, आप लोगों को लगा होगा तभी आप लोगों ने लिखा होगा। लेकिन जो जो हमारे चैनल पे कुछ नए आते हैं इक्के दुक्के, वो ही लिखते हैं ऐसा, वरना ऐसा कोई भी नहीं लिखता। मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह की बातों में हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ना ही ऐसा सोचते हैं। तो मेरे मन में ये बात थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो देखते हैं बाकी अब क्या होगा क्या नहीं। हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे घर में जो भी आएगा हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यही बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे अपनी प्यारी YouTube फैमिली के साथ ये बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक ऐसा कमेंट करता है तो दूसरा उस पर रिप्लाई भी दे देता है कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सीधी सी बात बताऊँ तो, और ना ही हम लोगों ने ऐसा सोचा होता है। लेकिन जब मैंने कमेंट देखा तो मैंने फिर पतिदेव से भी कहा कि क्या ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनकी अपनी अपनी सोच होती है वही ऐसा बोलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए, ये बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने कर ली, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे गलत तो बोलती ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। तो मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन खैर, जो बोलता है उनको बोलने दीजिए, लेकिन मेरे मन में जो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। बाकी बस आप लोगों की दुआ है, बाकी आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, दुआ है, प्रार्थना है, जो जो भी आप लोग मेरे लिए बोलते हो, भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लेके आएंगे, अपने नन्हे से बच्चे के साथ आएंगे आपके साथ ब्लॉग में। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा ब्लॉग में, यूं ही हमें प्यार करते रहिएगा, जैसे आप लोगों ने ऐसे पहले से ही हमें प्यार दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी YouTube फैमिली आगे भी हमें इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करती रहे। तो मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्द। तो ये मेरे मन में थी बात जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, बाकी आप लोग खुद बताइएगा। बाकी आज जिन जिन का जन्मदिन होगा, तो मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है तो उनको मैरिज एनिवर्सरी की लाख लाख बधाइयां हो। बाकी नया साल आने वाला है, तो नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आए, हमारे लिए खुशियां लेकर आए, मेरी पूरी YouTube फैमिली के लिए खुशियां लेकर आए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। तो मिलेंगे बहुत जल्द। तो ये खास बातचीत आपके साथ मैंने शेयर करनी थी जो मैंने कर ली है। तो बाकी चलिए, और भी लाएंगे हम आपके लिए ब्लॉग में। तो मिलेंगे बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।